लेकिन लगता था कि हाँ चलो यार कुछ तो है जो बढ़िया सा त्योहार है। ओके मैं भी सोच रहा हूँ कि हमारे यहाँ की ये लाइट खराब हो गई तो आज बढ़िया एक चीज स्मार्ट लाइट खरीद ली जाए, एलेक्सा वाली है तो बढ़िया हो जाएगा उनको। नहीं यार सस्ती नहीं मिली यार, थोड़ा दुख है इस बात का, लेकिन चलो कोई ना। ओके चलिए, तो स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। और आपको पता है कि हम कंप्लीट वर्ल्ड मैपिंग इन 50 डेज की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये हमारी दूसरी क्लास है, सेकंड क्लास है ये हमारी, पहली क्लास कल ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, कल आप जानते हैं बट नेचुरल सी बात है कल कोई क्लास नहीं होगी, तो ये आप भी समझ पा रहे हैं ठीक है कि कल क्लास नहीं हो रही होगी, परसों क्लास होगी। ठीक है, परसों वापस से 12 बजे करेंगे क्लास। अरे बहुत बहुत बधाई है, से मैं बात करता हूँ क्लास के बाद। चलिए तो दोस्तों ये हमारी क्लास है तो आज की नहीं अरे हाँ सॉरी गाइस, कल तो क्लास होगी, परसों है दिवाली, सॉरी सॉरी सॉरी, कल क्लास होगी, कल क्लास होगी, परसों नहीं होगी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, कल क्लास होगी, परसों नहीं होगी, दिवाली के दिन नहीं होगी, बस इतना याद रखना। ठीक हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो गाइज कल की क्लास में कुछ बेसिक बातें हम डिस्कस कर चुके थे, आगे बढ़ने से पहले एक बार जरूर बता दूं कि ये वो सारे कोर्सेज हैं जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं दोस्तों। और प्लीज अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो मेरा कोड इस्तेमाल जरूर करें SGLIGHT, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। तो कल की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि महत्व क्या होता है मैपिंग का, इंपॉर्टेंस क्या है, साथ ही साथ हमने आपको ये भी बता दिया था कि किस तरीके से मैप को पढ़ा जाता है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जहां हमने बहुत अच्छे से ये डिस्कस किया था कि मैप को पढ़ने का जो एक तरीका होता है वो बहुत बेसिक तरीका है। सबसे पहले आप लोकेशन को देखेंगे एटलस में, सिर्फ उस लोकेशन को देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भारत देखिए, तो पूरे के पूरे विश्व मानचित्र में आप पहले सिर्फ भारत पर फोकस करेंगे, फिर दूसरे स्टेप पर देखेंगे कि भारत से कौन कौन सी जलीय सीमाएं जुड़ी हुई हैं, कौन कौन सी वाटर बाउंड्री जुड़ी हुई है, फिर तीसरे नंबर पर देखेंगे कि भारत से कौन कौन से स्थलीय देश जुड़े हुए हैं, कौन कौन से जो कंट्रीज हैं वो कनेक्ट हैं, कौन कौन सी बाउंड्री कनेक्ट होती हैं, फिर आप देखेंगे कि क्या भारत से कोई अक्षांश या देशांतर रेखा, देशांतर रेखा भी गुजरेंगी, अक्षांश भी गुजरेगी, तो कौन सी अक्षांश रेखाएं भारत से गुजरती हैं, उस आधार पर आप भारत की जलवायु का पता लगाएंगे और फिर एक निश्चित सी जानकारी आप लेकर के आ जाएंगे। तो ये आपका पूरा तरीका था मैप को रीड करने का, मानचित्र को पढ़ने का। बिल्कुल दोस्त, एनडीए के लिए भी क्लास रहेगी। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज पहला अध्याय हम शुरू करेंगे, चैप्टर वन हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगेन आई विल से सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। तो पहले अध्याय का नाम है मानचित्रीकरण की आधारभूत जानकारी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बेसिक्स ऑफ मैपिंग। आधे घंटे का चैप्टर है लेकिन थोड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि जब तक ये अध्याय क्लियर नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बिल्कुल बेनिफिट फॉर यूपीएससी एज वेल। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे सर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मानचित्र क्या होता है और मानचित्र के जनक कौन है। ठीक है, एक तो मैप की डेफिनेशन क्या होती है और मैप के फादर किसे कहा जाता है या फादर ऑफ मैपिंग किसे कहा जाता है। दूसरा, फिर हम जानेंगे एटलस की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, कुछ लोगों को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा, तो एटलस की परिभाषा क्या होती है और क्यों एटलस नाम दिया गया इसे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है कि जब भी आप देखोगे इस किताब को जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, तो आखिर इसे एटलस नाम क्यों दिया गया एटलस इसे नाम क्यों दिया गया। फिर हम ग्लोब डिस्कस कर रहे होंगे कि ग्लोब का मतलब क्या होता है, तो ग्लोब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ग्लोब के बाद रूढ़ चिन्ह के बारे में हम पढ़ेंगे और फिर हम दिशाओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि डायरेक्शन क्या होती है और कैसे आपको दिशाओं का पता लगाना है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों, क्यों दिशा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी के द्वारा आप बता पाएंगे। जैसे ही मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए म्यांमार भारत की किस जगह पर आता है, तो आपको दिशाओं का उपयोग करते हुए बताना है, आपको डायरेक्शन का उपयोग करते हुए बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मानचित्र का मतलब क्या होता है, मैप का मतलब क्या होता है। तो मैप का बहुत सीधा मतलब होता है कि पृथ्वी की सतह के किसी भाग की स्थिति को पैमाने की सहायता से प्रस्तुत करना, इसी को हम मानचित्र कहते हैं। मैप की डेफिनेशन क्या है, अ सिंबॉलिक डिपिक्शन एम्फेसाइजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सम प्लेसेस। अब जैसे मानचित्र में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, कोई भी मैप आप निकालेंगे, जैसे यहां पर हमने एक वर्ल्ड मैप निकाला आपके सामने, ये आप देख पा रहे हैं ये वर्ल्ड मैप है दोस्तों। तो वर्ल्ड मैप में क्या किया जाता है, पैमाने का मतलब क्या है, पैमाने का मतलब ये है कि हर एक मैप में ये लिखा रहता है कि 1 मिलीमीटर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मिलीमीटर।
इस तरीके से मैप बनाया जाता है। तो जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो किलोमीटर भी आगे बढ़ता जाएगा। तो आपने पूरी की पूरी दुनिया के मानचित्र को, इतनी बड़ी दुनिया को, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है दोस्तों मैप, कि इतनी बड़ी दुनिया को आप सिर्फ एक पेज पर लेकर के आ जाते हैं, इसी को मानचित्र कहा जाता है। और ये हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, ये सिर्फ वर्ल्ड का नहीं होता, मैप हर चीज का होता है, घर का भी नक्शा होता है, हमारे खुद के हाउसेस का मैप होता है। तो वहां पर भी घर के नक्शे में भी बताया जाता है कि ये पैमाना है, ये इस पैमाने के हिसाब से इतना 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 रूम रहेगा। हमारे शहर का नक्शा होता है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे, कभी भी कोई आपसे पूछे, क्या होता है ये चीजें जनरली ऐसे नहीं पूछी जाती, ये इंटरव्यू वगैरह में सवाल पूछ लिए जाते हैं। आपने भी पढ़ा है, देखो अब सोचो इंटरव्यू में ऐसे सवाल आते हैं कि आप भी ग्लोब के बारे में पढ़ रहे हैं, आप भी मैप के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी हमारा इस चीज पर फोकस नहीं गया कि यार मानचित्र की परिभाषा क्या होगी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैप। तो सिंपल सी बात याद रखना, किसी भी भाग की स्थिति को जब आप पैमाने की सहायता से प्रस्तुत करते हैं तो उसी को मैप कहा जाता है। किसी भी पर्टिकुलर एरिया के या किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन को जब आप एक पर्टिकुलर मेजर के साथ प्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम मैपिंग का नाम देते हैं। दोस्तों जो मानचित्र को बनाने की क्रिया है, जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है मानचित्र को बनाने की, उसे हम कार्टोग्राफी कहते हैं। और ये प्रश्न आ चुका है, अगर आप एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो एसएससी में ये प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टोग्राफी। तो याद रखिएगा, कार्टोग्राफी का मतलब क्या होता है, मानचित्र निर्माण की क्रिया। ठीक है, देखो दो अलग अलग लोगों को कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग यहां पर कहते हैं कि सर कार्टोग्राफी का मतलब होता है मानचित्र का अध्ययन। नहीं, कार्टोग्राफी का मतलब होता है मेकिंग ऑफ मैप्स, या मानचित्र के निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि भैया मैं क्या कर रहा हूं, तो मैंने कहा मैं हमारे प्यारे भारत देश का नक्शा बना रहा हूं, तो आप कहेंगे कि ये कार्टोग्राफी का काम हो रहा है क्योंकि तो मैप को बनाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको यहां से एक नंबर का आपका प्रश्न बनता है कि मानचित्र की निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिपीट कीजिएगा मेरे साथ। अच्छा, मैप में एक छोटा सा काम और करना है, जैसे मैं कहूँ रिपीट करो तो एटलीस्ट हल्के हल्के शब्दों में या अपने मन में चीजों को दोहरा जरूर लेना। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि सर हमारे घर वाले देख लेंगे, कहेंगे क्या हो गया हमारे बेटा या बेटी को, बिल्कुल ही है ऐसा नहीं, तो बोल ले लो, कोई बात नहीं, एक अलग रूम में अपने आप से गुनगुनाते रहो, कुछ नहीं होगा। गाने भी तो गाते रहते हो ऐसे बिना सिर पैर के, कुछ भी गाते रहते हो दिन भर, है तो कुछ नहीं कहते, तो ऐसे ही गाते रहना। तो जैसे मैं कहूं कि मानचित्र की निर्माण की प्रक्रिया को कार्टोग्राफी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। इसी के बाद अगर हम देखें, फिर अगला प्रश्न यही बनता है कि सर चलिए हमने परिभाषा पढ़ ली, हमें यह भी पता पड़ गया कि कार्टोग्राफी का मतलब क्या होता है, अब ये बताएं कि मानचित्र का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ मैपिंग किसे कहा जाता है। तो मानचित्र का जनक कहा जाता है दोस्तों अनेक्जीमेंडर को। अनेक्जीमेंडर जो कि एक ग्रीक व्यक्ति थे, ग्रीस से संबंधित थे, इन्होंने पहली बार एक अच्छे स्वरूप का मानचित्र तैयार किया था, एक पर्टिकुलर मैप बना करके दिया था। अगेन ये क्वेश्चन भी यहां से बनता है कि मानचित्र का जनक कौन कहलाता है, हु इज द फादर ऑफ मैपिंग। तो यू विल हैव टू रिमेंबर अनेक्जीमेंडर, जो कि ग्रीक से। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, अनेक्जीमेंडर की फोटो भी लगा दी, थोड़ा सा देख लीजिए, बड़ी आदमी लग रहा है, मैप बनाने वाला है। तो अनेक्जीमेंडर जो है दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, मानचित्र के जनक कहलाते हैं, फादर ऑफ मैपिंग कहलाते हैं। दोस्तों मैप तीन प्रकार के होते हैं, मानचित्र तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है फिजिकल मैप, दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप, और तीसरा होता है थीमेटिक मैप। यहाँ पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो भौतिक मानचित्र का मतलब ये होता है, भौतिक शब्दों को समझना, एक एक चीज स्पष्ट हो जाएगी। भौतिक या फिजिकल मैप का मतलब यह है ऐसा मानचित्र जो कि भौतिक या फिजिकल या ऊर्जा बच्चों को दर्शाता हो, ऐसा मानचित्र जो किसी भी स्थान के। ठीक है, थैंक यू, आई थिंक अब क्लियर है, अब क्लियर है राइट, हाँ स्पष्ट है तो आवाज। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए वापस से। तो हम आपको ये बता रहे थे दोस्तों कि जो मानचित्र है वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है एक भौतिक मानचित्र, जिसे हम फिजिकल मैप का नाम देते हैं। भौतिक मानचित्र का मतलब ये होता है एक ऐसा मानचित्र जो किसी स्थान के उच्चावचों के बारे में बताए, जो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के आपको रिलीफ के बारे में बताए। सर उच्चावच का मतलब क्या होता है, रिलीफ का मतलब क्या होता है, तो उच्चावच का मतलब होता है पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियां, ये सारी चीजें आती हैं उच्चावच। खासतौर पर पर्वत, पठार और मैदान की जानकारी देता है, जो आपको किसी भी जगह के माउंटेन, प्लेटू और प्लेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां हमने भारत का भौतिक मानचित्र लिया है, फिजिकल मैप लिया है,
और क्लियरली आप देख पा रहे होंगे कि इस मानचित्र में राज्यों की जानकारी नहीं है दोस्तों, कहीं पर भी आपको नहीं दिख रहा होगा कि वो मध्य प्रदेश लिखा है या फिर उत्तर प्रदेश लिखा है, यहां सिर्फ और सिर्फ आपको दिख रही होंगी पर्वत श्रेणियां। यहां पर आपको इक्काराकोरम श्रेणी दिख रही होगी या आपको शिवालिक पर्वत श्रेणी दिख रही होगी, यहां अरावली पर्वत श्रेणी बना दी गई है, विंध्याचल, सतपुड़ा ये उसी का हिस्सा, मैकल ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, बीच में ये दक्कन का पठार बना दिया है, यहां गंगा का मैदान बना दिया है। तो ये चीजें क्या कहलाती है? उच्चावच कहलाती है। तो मुझे बताओ, अगर एक लाइन में, ध्यान देना मेरी बात पर, अगर एक लाइन में कोई आपसे पूछे कि भौतिक मानचित्र क्या होता है, तो सिंपल सी भाषा में बताएंगे, एक ऐसा मानचित्र जो किसी स्थान के उच्चावच अर्थात पर्वत, पठार, मैदान आदि की जानकारी देता है, उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। इंग्लिश में फिजिकल मैप इज अ मैप विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलीफ सच एज माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स एक्सेट्रा ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। ये होता है भौतिक मानचित्र, ये होता है फिजिकल मैप। इसमें किसी भी प्रकार की आंतरिक सीमाएं आपको देखने नहीं मिलेंगी, किसी भी प्रकार की इंटरनल बाउंड्री देखने नहीं मिलेगी। अब दूसरा मैप आता है दोस्तों राजनीतिक मानचित्र अर्थात पॉलिटिकल मैप। तो यहां पर शब्द से ही क्लियर है, किसी भी देश की राजनीतिक संरचना, किसी भी देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। राजनीति का मतलब क्या होता है? राजनीति का मतलब सिर्फ वो नहीं है नेतागिरी जो हम सुनते हैं, राजनीतिक का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी भी देश की एक राजनीतिक संरचना होती है, हर एक कंट्री का एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है। जैसे भारत की राजनीतिक संरचना क्या है कि भारत को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, इंडिया को स्टेट और यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों एक ऐसा मानचित्र जो कि देश, देश के राज्यों, राज्यों के जिलों इत्यादि की जानकारी प्रदान करता है, उसे राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। और इस मानचित्र में आपको बहुत सारी सीमाएं देखने के लिए मिलेंगी। जैसे देखिए, दिखा रहा है आपको कि ये लद्दाख का इलाका है, ये जम्मू कश्मीर का इलाका है, हिमाचल का इलाका है, उत्तराखंड आ जाएंगे, पंजाब आ जाएंगे, हरियाणा आ जाएंगे, राजस्थान, यहाँ यूपी, ठीक है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पॉलिटिकल मैप क्या होता है, तो राजनीतिक मानचित्र एक ऐसा मानचित्र है जो देश, देश के राज्यों, राज्यों के जिलों इत्यादि की स्पष्ट जानकारी प्रदान करता है। पॉलिटिकल मैप्स गिव्स द क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंट्रीज, देयर स्टेट, देयर डिस्ट्रिक्ट एटसेट्रा, ठीक है। तो ये आपका राजनीतिक मानचित्र होगा। तो अब पहली बात, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर पॉलिटिकल और फिजिकल मैप क्या होता है, तो अब बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो जैसे ही मैं आपसे आगे कहूंगा कि भैया हमें एशिया का पॉलिटिकल मैप खरीदना है, तो आप कौन सा मैप लेकर के आओगे? आप वो मैप लेकर के आओगे जिसमें सीमाएं दी गई होगी, जिसमें एशिया के देशों को बताया गया होगा। और जैसे ही मैं आपसे कहूंगा कि भैया एशिया का फिजिकल मैप लेकर के आओ, भौतिक मानचित्र लेकर के आओ, तो आप ऐसा मैप लेकर के आओगे जिसमें सिर्फ देशों की सीमाएं नहीं दी गई है, सिर्फ एशिया को बताया गया है, वह फिजिकल मैप कहलाएगा। और जब आप एटलस खरीदेंगे ना दोस्तों, तो मैं दिखा देता हूं आपको कि एटलस में आप देखें, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो नक्शा है, अगर आपको विजिबल है, तो ये जो नक्शा है ये एशिया का भौतिक मानचित्र है, फिजिकल मैप है। और वहीं अगर आप देखेंगे ये नक्शा, तो ये पॉलिटिकल मैप कहलाता है, ये राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। हिंदी वाली एटलस में 56-57 पेज पर है, इंग्लिश वाली में 72 नंबर के पेज पर दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे नंबर का जो मानचित्र होता है, इसे कहा जाता है थीमेटिक मैप। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, थीमेटिक मैप का मतलब आप समझिए। थीमेटिक मैप में क्या होता है, किसी भी एक निश्चित स्थिति या स्थान की जानकारी दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहां हमारे प्यारे भारत का नक्शा बना लिया, और इस नक्शे में हमने आपसे कहा कि आप भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट को लोकेट करो। तो आपने बना दिया कि एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है। तो ये मानचित्र कौन सा मानचित्र कहलाएगा? थीमेटिक मानचित्र कहलाएगा। दूसरा, फिर मैंने आपसे कहा कि भारत के नक्शे में बंदरगाह की जानकारी बनाओ, इंडिया के जितने भी पोर्ट हैं उनको लोकेट करो। तो आपने पोर्ट लोकेट कर दिए, तो इसे भी आप थीमेटिक। शब्द देखिए, थीमेटिक में एक शब्द आता है थीम। थीमेटिक में शब्द क्या आता है दोस्तों? थीम। तो थीम का मतलब होता है एक ऐसा नक्शा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, एक ऐसा नक्शा जिसमें किसी विषय विशेष की चर्चा की गई हो, एक ऐसा मैप जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बेस होता है, उसे थीमेटिक मैप कहा जाता है। बहुत अच्छा वर्ड किया मानसी ने कि साहब ऐसा मैप जो किसी एक निश्चित विषय की जानकारी देता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर बेस होता है, उसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं,
बंदरगाह मैंने बता दिए, अगर मैंने आपसे कहा कि बंदरगाह का नक्शा बनाओ भारत के, तो कैसा मैप होगा दोस्तों? अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया के पोर्ट का एक नक्शा बनाओ, तो कैसा नक्शा होगा? जल्दी आंसर दो यार, थीमेटिक मैप होगा। दूसरा, अगर मैंने आपसे कहा कि भैया आप पता लगाओ कि भारत में कहां कहां पर रेलवे स्टेशन है, सिर्फ रेलवे स्टेशन, तो कैसा मैप होगा? थीमेटिक होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के, आप बताइए कि भारत में कहां कहां पर हाईवे है, तो भी कौन सा मैप होगा? थीमेटिक होगा। तो जब भी नक्शा किसी एक विषय पर आधारित होगा वो हमेशा थीमेटिक मैप कहलाएगा, उसे हम थीमेटिक मानचित्र कह रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही, थीमेटिक मैप में वो आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, पॉलिटिकल या फिजिकल मैप आप देखोगे तो इसमें जानकारी ज्यादा दी हुई होती है, इसमें राज्य का नाम भी होता है, उनकी राजधानियां भी होती हैं, कई बार आप देखोगे तो नदियां वगैरह भी आपको दिखाई देती हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सागर महासागर दिखाई देते हैं, हाँ, सिर्फ रिवर का होगा तो अगेन वो थेमेटिक हो जाएगा। वही फिजिकल में आप देखें तो पर्वत भी है, पठार भी है, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। तो अब तक हमने क्या पढ़ा दोस्तों? अब तक हमने बेसिक तीन चार बातें पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा कि मैप क्या होता है, तो हमने समझा कि किसी भी स्थान को जब आप पैमाने की सहायता से प्रस्तुत करते हैं तो उसे मानचित्र कहा जाता है। किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को जब आप मेजरमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम मैप कहते हैं। हमने देखा कि फादर ऑफ मैपिंग कौन है दोस्तों, जल्दी बताइए फादर ऑफ मैपिंग कौन है? तो आपका आंसर था एनेक्सीमेंडर को फादर ऑफ मैपिंग कहा जाता है। और तीसरा, हमने मानचित्र के तीन अलग-अलग प्रकारों को समझा। उसमें पहला प्रकार था फिजिकल मैप, जिसमें पर्वत पठार आदि की जानकारी आती है। दूसरा था पॉलिटिकल मैप, जिसमें राज्य उनके जिलों की जानकारी आती है। और तीसरा था थीमेटिक मैप, जिसमें आप किसी एक विषय की जानकारी लेते हैं। और एक और बात हमने पढ़ी कि मैप मेकिंग को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो मानचित्र के निर्माण की क्रिया को कार्टोग्राफी कहा जाता है, याद रखिएगा कार्टोग्राफी। ओके, तो ये हमने चार चीजें बड़े स्पष्ट तरीके से पढ़ ली। मैंने कल भी कहा था कि रिवीजन पर बहुत ज्यादा फोकस रहेगा और पहली कोशिश यही होगी कि क्लास में ही आपको चीजें याद हो जाए, क्योंकि अगर क्लास में आपको चीजें याद हो जाती है तो उससे बेहतर बात और कुछ नहीं होती, आपका मेहनत बचती है और कहीं ना कहीं चीजें आसान हो जाती है। चलिए तो आगे बढ़े, दूसरे टॉपिक पर आते हैं। तो दूसरा टॉपिक है दोस्तों एटलस। दूसरा टॉपिक कौन सा है? एटलस। तो एटलस की बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको पी जाना, ठीक है, जैसे चाय पीते हो सुबह ऐसे पी जाना। एटलस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मैप, मानचित्रों का संग्रह। एक लाइन की परिभाषा याद रखना, एटलस क्या होता है दोस्तों? कलेक्शन ऑफ मैप, मानचित्रों के संग्रह को ही एटलस कहते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली भी देखो, देखो जैसे मैंने कहा कि भैया आप एटलस की किताब लेकर के आओ। अच्छा, एक बात मैं बड़ी स्पष्ट कर दूं, ऑक्सफर्ड ने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है, ये मैप भी मैंने खुद के पैसों का खरीदा है, तो मैं बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर द एग्जांपल। वैसे इतना बोलने के बाद ऑक्सफर्ड वालों को बनता था कि वो जितनी भी किताबें बनाते हैं उनकी कॉपी मुझे पहुंचा दें, पर कोई बात नहीं। ओके, तो जैसे आप कहेंगे एटलस की किताब आप लेकर के आएंगे, कुछ इस प्रकार की किताब रहेगी, तो जैसे आप इसको खोलेंगे ना तो उसमें बहुत सारे मैप दिए गए। आप देखोगे एशिया का मैप है, यूरोप का मैप है, भारत का मैप है, भारत के भी बहुत सारे मैप है, भारत में हर एक राज्य का मैप दे दिया रहा है, वो यूपी का अलग मैप है, एमपी का अलग मैप है, छत्तीसगढ़ का अलग मैप है, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब क्या होता है, एटलस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मैप, मानचित्रों का संग्रह। दोस्तों एटलस जो शब्द है, एटलस जो शब्द है वो किसने दिया था? तो एटलस शब्द दिया था जेरार्डस मार्केटर ने। ये व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार एटलस शब्द का उपयोग किया था। क्या नाम है? जेरार्डस मार्केटर। इतना नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केटर भी याद रखोगे तब भी काम बन जाएगा। और पहली एटलस किसने बनाई थी? तो पहली एटलस का निर्माण किया था दोस्तों अब्राहम ऑर्टेलियस ने। किसने किया था? अब्राहम ऑर्टेलियस ने पहली एटलस का निर्माण किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सही मायनों में फादर ऑफ एटलस कौन है, तो सही मायनों में फादर ऑफ एटलस कहलाते हैं अब्राहम ऑर्टेलियस, क्योंकि इन्होंने ही पहली एटलस का निर्माण किया था। अब आपने देखा होगा, अगर आप लोग थोड़ा सा पुरानी जनरेशन से रहे हो, खासतौर पे मेरे जमाने में, अगर आपने 2012-13 में 12वीं की होगी, तो आपने एक साइकिल देखी होगी, एटलस साइकिल आती थी, और एटलस में आपने पुराने वाले एटलस देखे होंगे, तो हमेशा ये वाली फोटो आपने बहुत देखी होगी, ठीक है, ये फोटो। तो ये शब्द आया कहां से? अब ये सुन, एटलस की थोड़ी सी कहानी आप सुन लो, बड़ा मजा आएगा आपको सुनने में। ये जो शब्द है ना एटलस, ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। और ग्रीक भाषा में क्या है दोस्तों, एक ग्रीक माइथोलॉजी है। जैसे भारत में हमारी इंडियन माइथोलॉजी होती है, आप जानते हैं कि हमारे भारत में भगवान को माना जाता है, और हमारे जितने भी भगवान हैं उनका स्त्रोत क्या है, तो वेद पुराण, यहां से भगवान का कंसेप्ट निकल करके आता है, महाभारत रामायण ये सारी चीजें, है कि नहीं। उसी प्रकार से ग्रीक के लोगों के अंदर भी एक ग्रीक माइथोलॉजी,
चलते हैं दोस्तों ग्रीक माइथोलॉजी, वहां पर भी अलग अलग भगवान और अलग अलग देवता माने जाते हैं। थॉर मूवी अगर आप लोगों ने देखी हो तो कई बार उसकी चर्चा की जाती है। तो ग्रीक में एक देवता है एटलस, ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से एक देवता का नाम है एटलस। तो ग्रीक में कहानी बताई गई है कि दो अलग अलग संगठन थे, एक तरफ थे टाइटंस और एक तरफ थे ओलंपियन, देख पा रहे हैं आप लोग, एक तरफ थे टाइटंस और एक तरफ थे ओलंपियन। और कहा जाता है कि इन दोनों के बीच में 10 सालों तक लगातार युद्ध चलता रहा, जिसे टाइटेनोमैकी कहा जाता है। और इस युद्ध में टाइटंस की हार हो गई, और साहब जो एटलस थे, जो एटलस थे वो किसकी ओर से लड़ रहे थे, तो वो टाइटंस की ओर से लड़ रहे थे। तो जैसे ही टाइटंस की हार होती है इस 10 सालों के युद्ध में, तो एटलस को ओलंपियंस एक सजा देते हैं, और एटलस को सजा इस बात की दी जाती है कि जब तक तुम जिंदा रहोगे, तुम पृथ्वी आकाश इन सब को अपने कंधे पर उठाए रहोगे। तो वहीं से ये कंसेप्ट निकल के आ गया एटलस। तो हमेशा आपने एटलस को इस प्रकार की फोटो में देखा होगा कि एटलस को एक अभिशाप मिला, एटलस को एक श्राप मिला। पहले मुझे ये लग रहा था कि भैया एटलस इसलिए पृथ्वी को उठाए हुए हैं कि वो पृथ्वी को साधे हुए हैं, भार है। पर फिर जब मैंने पढ़ा तो पता पड़ा कि एटलस को एक श्राप मिला हुआ है कि जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुम पृथ्वी और आकाश को अपने ऊपर उठा करके रहोगे। तो इसीलिए फिर क्या निकल के आया, एटलस नाम निकल करके आया। जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन की आपको जानकारी रहे कि एटलस नाम कहां से आया, तो सिंपल अगर कोई आपसे पूछे कि एटलस कहां से निकल के आया, तो एक शब्द में आंसर दीजिएगा कि ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से एक देवता का नाम एटलस है, जिनको अपने कंधे पर पृथ्वी और आकाश उठाने का श्राप मिला हुआ है। श्राप को क्लियर है कि भैया टाइटंस और ओलंपियंस के बीच में युद्ध हुआ था, इतना भी आप बता देंगे तो काफी रहेगा कि ठीक है, चलिए इतना आपको बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो एटलस भी क्लियर हो गया, ऑल गुड, मैप भी क्लियर हो गया, एटलस भी क्लियर हो गया। अब हम आ रहे हैं तीसरे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम ग्लोब कहते हैं, ग्लोब, ठीक है, ग्लोब। तो ग्लोब की परिभाषा क्या है सर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लोब? तो ग्लोब कहलाता है पृथ्वी का नमूना, स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के नमूने को हम ग्लोब का नाम देते हैं। अगेन एक लाइन की डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। हमारी पृथ्वी जब आप अंतरिक्ष में होते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार दिखाई देती है, और इसी को हमने ग्लोब का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? ग्लोब का नाम हमने दिया है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। तो वही परिभाषा है कि ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक नमूना है, स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ है। अगेन ग्लोब के जनक कौन कहे जाते हैं? तो मार्टिन बेहम को फादर ऑफ ग्लोब कहा जाता है, या ग्लोब का जनक कहा जाता है, जिन्होंने 1492 में 1492 में पहला ग्लोब तैयार किया था। चलो आपका थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं, जल्दी जल्दी बताना आंसर, याद है कि नहीं है, पूछते हैं आपसे हम। पहला, मानचित्र के जनक कौन कहे जाते हैं? हु इज अ फादर ऑफ मैपिंग? हु इज अ फादर ऑफ मैपिंग? एनेक्सिमेंडर। हु इज अ फादर ऑफ एटलस? एटलस का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ एटलस किसे कहा जाता है दोस्तों, जल्दी बताइए, फादर ऑफ एटलस अब्राहम ऑर्टिलियस को कहा जाता है। तीसरा, ग्लोब के जनक कौन कहलाते हैं? हु इज अ फादर ऑफ ग्लोब? ग्लोब के जनक कौन है दोस्तों, जल्दी बताइए, हु इज अ फादर ऑफ ग्लोब? तो ग्लोब का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, मार्टिन बेहम, ठीक है, मार्टिन बेहम को कहा जाता है ग्लोब का जनक। दोस्तों दुनिया का जो सबसे बड़ा ग्लोब है, ये गलत हो गया, लॉन्गेस्ट नहीं है, ये लार्जेस्ट है बेसिकली, ठीक है, दुनिया का जो सबसे बड़ा ग्लोब है उसका नाम क्या है? यूनिस्फीयर। क्या नाम है दोस्तों? यूनिस्फीयर नाम है उसका। और ये कहां पर लगाया गया है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ही लगाया गया। याद रखिएगा इस बात को कि दुनिया का जो सबसे बड़ा ग्लोब है, लार्जेस्ट ग्लोब ऑफ द वर्ल्ड, इज इन द न्यूयॉर्क, और उसका नाम है यूनिस, ठीक है, बहुत ध्यान से याद रखना। दूसरी चीज, एक शब्द और याद रखना कि दुनिया का सबसे बड़ा घूमने वाला ग्लोब, ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा शब्दों को, ध्यान से सुनना, दुनिया का सबसे बड़ा घूमने वाला ग्लोब, लार्जेस्ट रोटेटिंग ग्लोब ऑफ द वर्ल्ड, इसका नाम क्या है? अर्था। इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है अर्था, जो कहां पर है? जो अगेन अमेरिका में स्थित है। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि दुनिया के सबसे बड़े ग्लोब का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट ग्लोब ऑफ द वर्ल्ड, तो आंसर देंगे यूनिस्फीयर, जो कि अमेरिका में लगाया गया है। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा घूमने वाला ग्लोब कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा घूमने वाला ग्लोब है अर्था, जो कि अमेरिका में स्थित है। ये चीजें आप याद रखेंगे। अब ग्लोब के बारे में 3-4 बातें आपको स्पष्ट समझ आनी चाहिए। जैसे पहली बात यह है दोस्तों, पहली चीज जो निकल के आती है कि आपने देखा होगा ग्लोब हमेशा इस तरह से झुका रहता है, मतलब सीधा नहीं है। अगर आप ध्यान से इस ग्लोब को भी देख रहे होंगे, इस तरीके से अगर आप देखें तो ये ग्लोब सीधा नहीं है, इसमें एक झुकाव आपको नजर आएगा और बीच में आपको एक सुई नजर आएगी। अगर यहां आप देखेंगे तो ग्लोब के बीचों बीच आपको एक सुई इस तरीके से नजर आती है। तो
तो दोस्तों ये इसलिए है, ग्लोब इसलिए झुका हुआ है क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री टिल्ट है हमारी, ठीक है, 23.5 डिग्री हमारी, मतलब ऐसी नहीं है, हल्का सा इतना झुकाव है हमारी पृथ्वी में। यही कारण है कि ग्लोब भी एक सुई की सहायता से 23.5 डिग्री झुका हुआ होता है। ये कोना और ये कोना, ये पृथ्वी के ध्रुवों को दर्शाते हैं। ये कहलाता है नदर्न पोल अर्थात उत्तरी ध्रुव, और ये कहलाता है सदर्न पोल अर्थात दक्षिणी ध्रुव। दूसरी बात, ग्लोब में आपने देखा होगा दोस्तों कि वैज्ञानिकों ने कहा कि पृथ्वी बहुत बड़ी है और इसके अध्ययन में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, ग्लोब पर कुछ क्षैतिज रेखाएं बना दी, ग्लोब पर कुछ इस प्रकार से क्षैतिज रेखाएं अर्थात हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। तो इन क्षैतिज रेखाओं को नाम दिया गया अक्षांश। क्या नाम दिया गया दोस्तों, अक्षांश नाम दिया गया, इन्हें नाम दिया गया लैटिट्यूड लाइन। तो जैसे ही, बहुत सिंपल है, अक्षांश देशांतर में इतने डिटेल में नहीं जाना क्योंकि हम भूगोल नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ मैप पढ़ रहे हैं। तो इतना बस आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर कुछ ऐसी आड़ी रेखाएं खींची हुई हैं, कुछ लेटी हुई रेखाएं खींची हुई हैं, जिन्हें हम अक्षांश के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। अक्षांश का महत्व क्या होता है, तो अक्षांश के द्वारा आप किसी भी स्थान की जलवायु का पता लगा सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की क्लाइमेट का पता लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक अक्षांश रेखा होती है जिसे हम 0 डिग्री का अक्षांश कहते हैं, या जिसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। दोस्तों इक्वेटर पर सूरज साल भर चमकता है, हर पूरे 12 महीने वहां पर सूरज चमकता है। यही कारण है कि वहां पर तापमान ज्यादा पाया जाता है और पूरी दुनिया में सर्वाधिक औसत तापमान भूमध्य रेखा पर देखने मिलेगा, हाईएस्ट मीन टेम्परेचर इक्वेटर पर देखने मिलेगा, क्योंकि वहां पर सूरज ज्यादा होता है, एवेपोरेशन भी ज्यादा होता है, जिस कारण वहां वर्षा भी ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा भी आपको भूमध्य रेखा पर देखने मिलेगी, इक्वेटर के पास देखने के लिए मिलेगी। और वहीं पर आप देखेंगे कि चूंकि सबसे ज्यादा वर्षा है तो सबसे घने जंगल पाए जाएंगे, सबसे घने जंगल पाए जाएंगे तो सबसे ज्यादा डायवर्सिटी पाई जाएगी। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर या भूमध्य रेखा से नीचे की ओर आएंगे, आपको जलवायु में विविधता देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। ऊपर जाने पर जलवायु, अगर औसत तापमान की बात करें तो एवरेज टेम्परेचर लगातार कम होता जाएगा, और जैसे ही आप भूमध्य रेखा से ऊपर पोल तक पहुंचेंगे या यहाँ नीचे पोल तक पहुंचेंगे तो जो तापमान है वो माइनस में आ जाएगा। आप सोचिए कि यहाँ पर लगभग 18 डिग्री था और यहाँ -5 डिग्री या 10 डिग्री तक तापमान देखने के लिए मिलेगा। तो ये इसका निर्धारण है। अगर अक्षांश रेखाओं की हम एक लाइन में बात करें तो उनका महत्व यही है कि अक्षांश रेखाओं के द्वारा आप जलवायु का निर्धारण करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने अक्षांश रेखाएं तो बना ली, लेकिन अब भी समस्या जा रही है। तो इन्होंने एक फिर ऐसी कुछ ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी खोज दी, कुछ खड़ी खड़ी रेखाएं भी बना दी, जिनको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार से वर्टिकल लाइन भी बना दी। तो वर्टिकल लाइन क्यों बनाई, तो इन वर्टिकल लाइन को, इन ऊर्ध्वाधर रेखाओं को कहा जाता है देशांतर रेखाएं अर्थात लॉन्गिट्यूड। क्या कहा जाता है इन्हें, लॉन्गिट्यूड का नाम दिया जाता है, इन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। सर ये क्या काम करती है, तो देशांतर रेखाओं के द्वारा दोस्तों आप समय का पता लगाते हैं, आप तिथि का पता लगाते हैं, आप टाइम के बारे में पता लगा सकते हैं, आप डेट के बारे में पता लगा सकते हैं देशांतर रेखाओं की सहायता से। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में जो समय का निर्धारण है वह 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा के द्वारा किया जाता है। इंडिया में हम टाइम को 82.5 डिग्री का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से पता करते हैं, ठीक है। तो समय का निर्धारण किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है YouTube पर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, बहुत डिटेल में हमने वो पढ़ाया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि एक बार आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा जाकर के YouTube पे, तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि देशांतर ये सारी चीजें क्या कहलाती है, क्लियर है। ये ग्लोब का महत्व है। तो ग्लोब में इतनी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर लिख भी दिया है कि ग्लोब में जो सुई है वो पृथ्वी के अक्ष को दर्शाती है, पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकाव है तो ग्लोब भी 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और पृथ्वी किस दिशा में घूमती है तो याद रखना पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट। और इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है सूरज किस ओर उगता है दोस्तों, तो हमेशा से हम पढ़ते आए हैं कि पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है, sunrises from the east and sets in the west। तो भैया आप कुछ सोचो कि अगर ये पूर्व से घूम रहा होता
तो पहले पश्चिम वाला हिस्सा सामने आता, लेकिन ये पश्चिम से घूम रहा है तो पहले पूर्व वाला हिस्सा सामने आएगा। यही कारण है कि आप सबसे पहले जापान में सूर्योदय देख रहे होंगे और फिर धीरे धीरे आगे जाकर के सूर्योदय देखेगा। तो याद रखना, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर अर्थ का रोटेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। ये सारे प्रश्न जो मैंने आपको आज कराए हैं वो एक एक नंबर के रूप में या दो दो नंबर के रूप में प्रीलिम्स परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, तो इनको ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। जैसे ये भी पूछा चुका है कि ग्लोब पर खींची गई क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती हैं, ग्लोब पर खींची गई क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती हैं, व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द ग्लोब। तो याद रखना, इनको अक्षांश कहा जाता है दोस्तों, इन्हें लैटिट्यूड कहा जाता है, और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को देशांतर कहा जाता है, इन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। चलिए, स्पष्ट है, क्लियर है दोस्तों? एक मिनट देंगे, मैं पानी पी लूं और फिर अपन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एक शब्द और जो एनसीईआरटी से लिया गया टॉपिक है। एक शब्द दिया गया है एनसीईआरटी में जो आपने बार बार सुना होगा, रूढ़ चिन्ह। ये शब्द भी आपने, आप इस लेक्चर का नाम डाल देना, मेरा नाम डाल देना, आ जाएगा दोस्तों, ठीक है? रूढ़ चिन्ह अर्थात कन्वेंशनल साइन, ये आपने सुना होगा। तो रूढ़ चिन्ह का मतलब क्या होता है कि ये अलग अलग मानचित्र को दिखाने वाले अलग अलग बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक मैप बना रहे हैं, तो आपने मैप पर कहीं पर ये बना दिया, तो इसका मतलब क्या है? पेड़, ठीक है? आपने अगर सड़क ऐसा चिन्ह बना दिया तो इसका मतलब है कच्ची सड़क, ठीक है? अगर आपने एक ऐसा चिन्ह बना दिया तो इसका मतलब है पक्की सड़क। अगर आपने एक लाइन खींच दी तो इसका मतलब है पगडंडी। अगर ऐसा कुछ बना दिया तो कुआं, कुआं, ठीक है? आपने कुछ ऐसा चिन्ह बना दिया तो ये रेलवे लाइन, ये वाला छोटी रेलवे लाइन। अगर ऐसा बहुत सारे पेड़ पौधे बना दिए, इसका मतलब कोई राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है? ये देखो, अगर ये बड़ी बड़ी डॉट लाइन है तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा दिखाती है, उससे छोटी डॉट लाइन राज्य की सीमा दिखाती है, और बिल्कुल डॉटेड लाइन ये जिले की सीमा दिखाती है। मंदिर का चिन्ह, मस्जिद का चिन्ह, ये तालाब का चिन्ह, ये नदी का चिन्ह। उसी प्रकार पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? बसाहट का मतलब होता है बस्ती, एक पर्टिकुलर रेसिडेंशियल एरिया, ठीक है? पोस्ट और टेलीग्राम ऑफिस के लिए, ठीक है, पीटीओ का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, अब दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना? और पुलिस स्टेशन के लिए पीएस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आप देख सकते हैं, ये मंदिर है, ये गिरजाघर है, ये मस्जिद है, और ये छतरी है। फिर बस्ती के लिए आप देखिए, तो बस्ती के लिए इस शब्द चिन्ह का इस्तेमाल किया जाएगा, और कब्रिस्तान के लिए कुछ ऐसा शब्द, देख पा रहे हैं? कब्रिस्तान, कब्रिस्तान के लिए कुछ इस प्रकार के चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। पेड़ इस प्रकार से दिखाए जाएंगे, घास इस तरह दिखाई जाएगी, ठीक है? नदी, ये हो गया कुआं, ये हो गया तालाब, तालाब की एक सीमा बना दी जाती है, ये होगी नहर, नहर का चिन्ह लिख लीजिए, और ये हो गया पुल, ठीक है? ये पुल आपने देखा भी होगा, ये, ठीक है? ये अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये राज्य की सीमा, जिले की सीमा, ये पक्की सड़क, ये कच्ची सड़क, ठीक है? रेलवे लाइन में ये जब लाइन होती है तो ये बड़ी रेलवे लाइन कहलाती है, इस प्रकार की लाइन होगी तो छोटी रेलवे लाइन होगी, और ये चीजें क्या होंगी दोस्तों, ये आपका रेलवे स्टेशन दिखा रहा होगा। तो ये बस एक बार पढ़ लेना, ये बस एक बार पढ़ लेना। हाँ, ये अलग अलग सिंबल होते हैं जिनका उपयोग आप मैप में करते हैं, तो इनको बस एक बार आप पढ़ लेंगे तो काम इतना आपका बन जाएगा, जस्ट टू सी कि आपको इनके बारे में पता है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, और जो है दिशा। ये टॉपिक ध्यान से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम डायरेक्शन कहते हैं, और दिशा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, डायरेक्शन बड़ी क्लियर होनी चाहिए जब आप मैपिंग की बात करते हैं। क्या क्या आता है, समझिए डायरेक्शन में। देखो, तो डायरेक्शन बहुत ऐसा नहीं कि बहुत अलग ही चीज है कि आपसे नहीं बनेगा, समझिए। ये हमने चित्र बना लिया, तो अब यहां पर ध्यान दो, तो ये जो सबसे ऊपर इलाका है इसे कहा जाता है नॉर्थ, हिंदी में इसे हम कहते हैं उत्तर, ठीक है? ये जो यहां दिखाई दे रहा है ये कहलाता है दक्षिण, जिसे हम कहते हैं साउथ, ठीक है? यहां आप देखिए, इस इलाके को कहा जाता है ईस्ट अर्थात पूर्व, और इस इलाके को कहा जाता है वेस्ट अर्थात पश्चिम, ठीक है? ये पहली बिल्कुल स्पष्ट करो बात को, कैसे याद रखोगे, कैसे इनका यूज करना है, तो ये भी समझो। अब जैसे मान लीजिए कि हमने आपको एक मैप दिखाया, एक मैप मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, एक बहुत आसान सा मैप निकालते हैं। ये हमने एक मैप निकाला और मैंने आपसे कहा कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में क्या है, तो आप क्या बताओगे कि सर मध्य प्रदेश का जो, सॉरी माफ कीजिए, मध्य प्रदेश के दक्षिण में क्या है, तो आप क्या बताओगे कि सर यहां पर एक राज्य है महाराष्ट्र। बहुत अच्छी बात है। मैंने आपसे पूछा कि मध्य प्रदेश के बिल्कुल उत्तर में क्या है, तो यहाँ आप कहोगे सर राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और यूपी दोनों दिखाई दे रहे हैं, कुछ हिस्सा यहाँ पर राजस्थान का भी है और कुछ हिस्सा यहाँ पर यूपी का भी दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी बात है। मैंने आपसे कहा कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में क्या है, तो आप कह रहे होगे सर राजस्थान भी है
और गुजरात वाला इलाका भी आता है। और पूर्व में क्या है तो आप कहोगे सर पूर्व में हमको यूपी दिखाई दे रहा है और छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है। तो अब इन शब्दों का उपयोग हम मैपिंग में बहुत ज्यादा करने वाले हैं, बहुत इस्तेमाल करेंगे, बार बार मैं इन शब्दों का उपयोग आपके सामने करूंगा तभी आपको मैप याद होगा। एग्जाम्पल के लिए हमने रूस के बारे में पढ़ा, फिर मैंने आपसे कहा कि भैया जैसे ही आप रूस से नीचे की ओर आएंगे तो ऐसा बता रहे होंगे क्या, आपको सोची कि आप मुझे बता रहे हैं कि सर रूस से नीचे चले जाओ तो वहां आपको कजाकिस्तान मिलेगा, सर थोड़ा और नीचे चले जाओ मंगोलिया मिलेगा, सर नाय चले जाओ तो सर नाय हो जाए हो तो कछुआर मिल है, सर माए हो जाए हो तो कछुआर मिल है, हम परेशान हो जाएंगे। चुप जाओ, अजय सर को बताना, पर अजय सर के साथ आप कभी ड्राइव नहीं कर सकते नेविगेशन के साथ, अभी अजय सर में बहुत ज्यादा जाते हैं बाहर, तो अजय सर को जैसे मैं कहता हूँ कि सर आप मैप बताते जाना, जैसे हम कहीं भी जाते तो पता नहीं था गूगल मैप, मैंने कहा सर बता देना, तो अजय सर लेफ्ट राइट नहीं बोलेंगे, कहेंगे इस साइड चलो उस साइड चलो इस साइड चलो उस साइड चलो, डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है तो ये बहुत हेल्प करेगी आप जब आप मैपिंग पढ़ रहे होंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि हर चीज की जानकारी बड़ी स्पष्ट रहे है ना, कि जब आप रूस के बारे में पढ़े तो ये अब क्या होता है इसी तरह से बीच में तीन जगह होती है, ये जो बीच का इलाका होता है इसे हम क्या कहेंगे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो इसे हम क्या कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। हाँ, ये पूरा इकट्ठा सभी के लिए ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पूर्वोत्तर, और ये हम बहुत इस्तेमाल भी करते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के पूर्वोत्तर राज्य, तो क्यों कहते हैं हम भारत के पूर्वोत्तर राज्य, अगेन आप देख लीजिए मैप में, तो ये हमारे भारत का प्यारे भारत का नक्शा है, तो अगर आप इसमें इन राज्यों को देखें तो ये पूरे के पूरे भारत में आपको पूर्व और उत्तर की दिशा में दिखाई देंगे, ये जो राज्य है तो इनको हम क्या कहते हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्य। अब अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान भारत की किस दिशा में आता है तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान भारत की कुछ इस प्रकार से आता है, तो ये कौन सी दिशा होगी, तो यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर वेस्ट है, तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान भारत के नॉर्थ वेस्ट में आता है, पश्चिमोत्तर में आता है या उत्तर पश्चिम में आता है। अब देखिए जैसे मैं आपसे पूछूं कि बंगाल की खाड़ी भारत में कहां आती है, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, मैं आपसे पूछूं कि बंगाल की खाड़ी भारत में कहां पर आती है तो यहां आपको पता है ईस्ट है और यहां साउथ है, तो आप कहेंगे सर साउथ ईस्ट में आती है, वह दक्षिण पूर्व में आती है, कहां पर आती है दक्षिण पूर्व में आती है, साउथ ईस्ट में आती है। फिर मैं आपसे पूछूं कि साहब अरब सागर भारत में कहां आता है तो आप कहेंगे सर ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो भारत में जो अरब सागर है वो दक्षिण पश्चिम में आता है, साउथ वेस्ट में आता है, इसीलिए लोकेशन इंपॉर्टेंट। अब देखो अब कितना अच्छा आपके मुंह से अलाप निकलेंगे जब आप किसी को बता रहे होंगे कि जैसे ही भारत में आप पश्चिम और उत्तर की ओर जाते हैं या पश्चिम उत्तर दिशा की ओर जाते हैं तो पाकिस्तान दिखाई देता है, दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर अरब सागर दिखाई देता है, दक्षिण पूर्व की ओर जाने पर बे ऑफ बंगाल दिखाई देता है, और नॉर्थ ईस्ट पर जाने पर भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दिखाई देते हैं, और थोड़ा और आगे आप चले जाइए तो वहां पर चीन दिखाई देता है। तो इस तरह से आप चीजों को बता पाएंगे तो बेहतर रहेगा। अब इसका उपयोग हमें बार बार करना है दोस्तों, जब हम मानचित्र को पढ़ेंगे, जब हम अलग अलग चीजों को पढ़ रहे होंगे तो बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल आपको करना होगा। ठीक है, तो क्लियर है, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें फिर आपको याद रखनी है, डायरेक्शन याद रखना, ये नॉर्थ ईस्ट होगा और ये कौन सा होगा दोस्तों, तो ये साउथ ईस्ट होगा अर्थात दक्षिण पूर्व होगा, ये कौन सा इलाका होगा तो ये दक्षिण पश्चिम होगा। ठीक है, और ये कौन सा इलाका होगा तो ये पश्चिम उत्तर का इलाका होगा, जो भी आप कहना चाहें। तो ये डायरेक्शन, मेक श्योर कि आपको डायरेक्शन बहुत अच्छे से याद है और आसान है। जैसे आप भारत का अध्ययन कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना आपको, ये हमारे प्यारे भारत का नक्शा है। ठीक है, क्या करना है आपको, एक बस अपने यहाँ पर आप गए, एक पेन से आपने ये बना लिया, ये होगी आपका डायरेक्शन, ये आपने बनाया और ये आपने बनाया। अब खुद दिखने लगेगा आपको कि भारत के उत्तर में लद्दाख दिखाई देगा, भारत के दक्षिण में यहाँ पर आपको तमिलनाडु दिखाई देगा, यहाँ पश्चिम में गुजरात, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, ये देखो उत्तर पूर्व में आपको ये सारे उत्तर पूर्व में आपको नेपाल चीन वगैरह दिखाई देंगे, पश्चिम और उत्तर में पाकिस्तान दिखाई देगा। ठीक है, पश्चिम दक्षिण में अरब सागर दिखाई देगा और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी दिखाई देगी। तो इस तरह से आप चीजों को याद रखेंगे, डायरेक्शन इस तरह से आप निकालिए, कोई भी जगह है उसको बीच में से ऐसी लाइन खींच दो, खत्म, अपने आप सारी डायरेक्शन आप निकाल दोगे, बीच में बस एक ऐसा क्रॉस बना दो, दैट्स इट, रेस्ट आप सारी चीजें बता दोगे। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा एक चैप्टर था जिसमें हमने डिस्कस किया किसके बारे में, जिसमें हमने बात कर ली हमारे कुछ डायरेक्शन के बारे में। चलिए तो अगले अध्याय की बात करते हैं और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अब हम शुरू करने वाले हैं मैपिंग। तो अब कुछ चीजें आपको लोकेट करना शुरू करना है। पहले एक दो प्रश्न मैं आपसे पूछ लूं। पहला प्रश्न, क्या आप लोगों ने 5 या 10 वर्ल्ड मैप निकलवा लिए हैं ब्लैंक, 5 या 10 वर्ल्ड मैप निकलवा लेना वर्ल्ड मैप। ठीक है, दूसरा, मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम 18 एशिया के राजनीतिक मानचित्र अर्थात पॉलिटिकल मैप और लगभग 5 या 3 एशिया के भौतिक मानचित्र अर्थात फिजिकल मैप। कैसे ब्लैंक, नहीं तो बिल्कुल कुछ लोग उत्साहित हो जाते हैं, सर ले लिए सर, मैंने क्या ले लिया भैया, सर मैं गया था, मैं एशिया के 18 मैप ले आया सर, बिल्कुल राज करते हैं भैया, क्या है सर बस वो भरे हुए सर, ब्लैंक नहीं, मैं 18 लेके आया सर, पूरे घर पे लगाऊंगा सर, दिवाली की पुताई में वही बोला सर, टेंशन ही खत्म, मम्मी पापा परेशान हो रहे दिवाली की पुताई करने, मैं मैप लगा दिया पूरे, अब वही दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना आपको, ब्लैंक मैप लेकर के आना है, ब्लैंक।
ठीक है, और विश्व के भी दशक मानचित्र रख लेना फिजिकल और दशक मानचित्र लेना पॉलिटिकल, ये बीच बीच में कभी कभी काम आएंगे, तो 10 राजनीतिक मानचित्र निकाल लेना और 10 जाकर के भौतिक मानचित्र, कहीं ना कहीं काम आएंगे। अच्छा एक चीज और है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको यहीं पर चेता देता हूँ एक बार, कि हो सके तो साथ में ना 10 रुपए की फाइल भी आती है, फाइल पता होगा आप लोगों को, 10 रुपए की फाइल आती है दोस्तों, एक फाइल भी ले आना, नहीं तो पता क्या होगा, आज एक पेज यहाँ डला है, चौथे पांचवे दिन या 2 महीने के बाद उस पेज में आप पूरी या पराठा खा रहे होंगे या किसी को पैक करके दे रहे होंगे, ठीक है, तो ये मत करना, ठीक है, कि उसमें पूरी पूरी खा रहे हो, पराठे खा रहे हो, तो साथ में ले आना एक फाइल, ताकि वो चीजें रही आए नमकीन खा रहे होंगे, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि एटलीस्ट आप एक पर्टिकुलर चीज लेकर के आ जाए। शुभम गुप्ता पीडीएफ सर्च करना बिना स्पेस दे हुए, वहां आपको सारी पीडीएफ मिलेगी, मैं रेगुलर पीडीएफ वहां पर अपलोड कर रहा हूं। चलो तो आगे बढ़े, अगर नहीं है मानचित्र तो कोई बात नहीं, आज हम महाद्वीप और महासागर लोकेट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, या फिर काम करते हैं कल से शुरू करते हैं, कल से शुरू करते हैं, ठीक है, आज आप मैप निकलवा लेना कुछ और, कल से फिर शुरू करते हैं, कल अपन लोकेशन बनाएंगे। तो कल हम विश्व के, अच्छा कल का टॉपिक मैं आपको बता दूं, कल का टॉपिक क्या रहने वाला है, कल हम इस टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों, कल हम महाद्वीप महासागर पर चर्चा करेंगे, हम विश्व के महाद्वीप जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे, क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे, विश्व के महासागर देखेंगे, और कल हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, ध्यान देना कल मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ा रहूंगा, शब्दावली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतने शब्द हमको कल समझना है, कल की क्लास कैसे भी करके मिस मत करना, क्योंकि कल की क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ कि जल संधि का मतलब क्या होता है, स्थल संधि का मतलब क्या होता है, क्रीक क्या कहलाता है, केप क्या कहलाता है, पर्वत पठार प्रायद्वीप लैंडलॉक गल्फ बे सी इन सब में क्या अंतर है, क्योंकि क्या होगा ये शब्द हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, बार बार मैं आपसे कहूंगा कि भैया अंतरी, बार बार मैं कहूंगा क्रीक, बार बार हम कहेंगे जल संधि, इस्तमस, तो बहुत बार इन शब्द का प्रयोग होगा, और यहीं पर मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जल संधि में 2-3 शब्द आते हैं, एक शब्द आपने सुना होगा चैनल, ये शब्द आपने सुना होगा, और हिंदी में 2 अलग अलग शब्द, एक शब्द आपने सुना होगा जल संधि और एक शब्द हिंदी में और दिया गया है जल डमरू मध्य, सुना आपने जल डमरू मध्य, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, जल संधि और जल डमरू मध्य में अंतर क्या होता है, इंग्लिश में एक ही वर्ड है, इंग्लिश में एक ही वर्ड है स्ट्रीट, ठीक है, बाकी इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, तो कल ये सारे शब्द दिखा भी देता हूँ, ग्लिंप्स आपको देता हूँ, जैसे अक्षांश रेखा हो गई, ये सागर हो गए, ठीक है, खाड़ी गल्फ इनमें क्या अंतर होता है, पर्वत पठार, ठीक है, ये लैंडलॉक प्रायद्वीप का मतलब क्या है, केप क्या होती है, क्रीक क्या होता है, ओके, जल संधि स्थमस क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में देखो लिखा जल संधि जल डंगू मध्य चैनल, ये बेसिक बातों की कल हम चर्चा कर रहे हैं, तो कल की क्लास का विषय ये होगा, और परसों से नहीं, परसों तो दिवाली मनाएंगे आप लोग फॉर्चुनेटली, और उसके बाद हम शुरू करेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में, तो प्लीज दोस्तों अगर अब तक भी आपने मैप नहीं खरीदा है तो कृपया करके मैप खरीद लीजिए, या यू आई थिंक यू शुड से पीपीटी इज गुड बिकॉज बहुत एफर्ट लगा यार, बहुत ज्यादा, मैंने पहले भी कहा था कि ये मेरा अब तक का सबसे ज्यादा मेहनत वाला प्रोजेक्ट है, और एक्सट्रीम मेहनत है इस चीज में, एक्सट्रीम मेहनत, दैट आपको रियलाइज होगा जब आप करना शुरू करेंगे कि ठीक है, अब कुछ लोगों का कहना ये भी था जो हमारे साथ वाले हैं या कुछ और हैं, अरे सिंपल एक मैप लेके पढ़ा देते, और उसमें भी बुराई नहीं है कि अगर मैं आपके सामने एक मैप रखता पढ़ा देता, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो फीलिंग मिस हो जाती है यार, वो एक फील आ जाए अच्छा सा, है ना, इंटरेस्टिंग बन जाए थोड़ा, आपको मजा आ जाए, मजा आ जाए, ऐसी फील की बात है, ओके, तो कल आपसे मिलेंगे दोबारा 12 बजे, और एक बात और अभी से बता दूंगा आपको, दिवाली के दिन क्लास नहीं है, फिर से रिपीट करूंगा, और दिवाली के जो अगले दिन की क्लास होगी दोस्तों वो सुबह नहीं होगी, क्योंकि दिवाली के अगले दिन आपको पता है बिजी होते हैं, सब लोग बिजी होते हैं, तो सुबह क्लास नहीं होगी दिवाली के, दिवाली के अगले दिन जो क्लास होगी वो रात में होगी, ठीक है, फिर वापस से अपने टॉपिक पर हम आ जाएंगे, ताकि आपको लगभग लगभग 2 दिन मिल जाए, तो आप भी सेलिब्रेट कर लीजिए दिवाली, मैं भी गांव जाऊंगा तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, तो ये चीज मैंने अभी से आपको स्पष्ट कर दी है। रात में 9 बजे रखेंगे, 9 से 10 एक घंटे क्लास, लेकिन छुट्टी सिर्फ एक दिन की है, दिवाली के दिन की, ठीक, चलिए ग्रुप में मैप भेज दें, कुछ लोग कह रहे हैं सर ग्रुप में मैप भेज दीजिए, मैंने एक मैप ऑलरेडी भेजा है एशिया वाला, लेकिन मैं 2-3 मैप आपको भेज देता हूँ, मैं वर्ल्ड का मैप भी आपको भेज दे रहा हूँ, वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप भी आपको भेज दे रहा हूँ, वो फिर आप निकलवा लीजिएगा, वैसे पता है आप जाओगे ना दुकान पर ज्यादा सस्ता मिलेगा आपको, अगर आप किसी भी दुकान पर चले जाओ ना तो दुकान वाले के सस्ता मिल जाएगा आपको वर्ल्ड और एशिया का मैप, है ना, ठीक है, हाँ चलिए, लेकिन फिर भी मैं भेज दे रहा हूँ, फिर भी अगर आप लोगों को लग रहा है तो मैं एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ ब्लैंक मैप की, उसमें वर्ल्ड का पॉलिटिकल, वर्ल्ड का फिजिकल, एशिया का पॉलिटिकल, एशिया का फिजिकल, ये मैप में डाल दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, चलिए सब का ख्याल रखिए और संदूकों में मुझे याद रखिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, एक लाइन मैं आपको सुना देता हूँ, एक अच्छी लाइन है, सुनते जाओ फिर चले जाओ, ठीक है, लाइन है कि भूल गया मैं, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, ओ हमनवा, ओके, तो दिस इज फॉर यू, ओके, तो आप लोग के लिए गाना भैया साथ देना हमारा, हम आपका साथ देंगे, बाकी मिलते हैं आप लोगों से, ख्याल रखना था, टेक केयर गाइस, गॉड ब्लेस यू, एंड अगेन आपके और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं धनतेरस की, जाइए एंजॉय कीजिए, दिन है हमारा, ठीक है, और हाँ एक बात और, आप में से कितने लोगों ने पर्यावरण पढ़ा था, आप लोगों ने पर्यावरण पढ़ा था याद है, तो मैंने पर्यावरण में एक चीज बताई थी कि जो CSIR है उसने ग्रीन पटाखे लॉन्च किए हैं दोस्तों, ग्रीन क्रैकर्स लॉन्च किए हैं, जिसमें से एक का नाम है स्वास, एक का नाम है सफल और एक का नाम है स्टार, ये 3 ग्रीन क्रैकर्स लॉन्च किए हैं, तो उनका उपयोग आप दिवाली पर कर सकते हैं, दे आर वेरी गुड, अमेजिंग, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, 'cause I've been living life right like I can't
just die.